पाकिस्तान का शुमार दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया में सफे अव्वल के ममालिक में होता है। हमारे मुल्क में दूध लाइव स्टॉक से हासिल होने वाली मसनुआत में एक नुमाया हैसियत रखता है। हत्ता के दूध की कीमत तमाम बड़ी नकदावर फसलों मसलन गंदुम, चावल, मकई और गन्ने वगैरह की मजमूई कीमत से भी ज्यादा है। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के पेशे नज़र दूध की मांग में तो सालाना 4% तक इजाफा हो रहा है, मगर इसकी सप्लाई मौजूदा जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। हमारे यहाँ 90% से जायद सारफीन तक दूध की रसाई गैर रवायती जराए से होती है, जिसमें दोधी और दूध की मार्केटिंग से मुंसलिक दीगर अफराद मुनाफा की एक बड़ी शरह के हिस्सेदार बन जाते हैं, जो कि न सिर्फ डेयरी फार्मर्स के मौशी इस्तेहसाल का बाइस बनता है, बल्कि इन जराए से हासिल होने वाले दूध का मयार भी सारफीन की सेहत के लिए एक सवालिया निशान है। ASLP डेयरी प्रोजेक्ट ने इसी तनाजुर में छोटे डेयरी फार्मर्स के लिए मुनाफा बख्श मार्केटिंग के जराए मुतारिफ करवाए, जिनमें इंफरादी और इज्तमाई मार्केटिंग की हिकमत अमली शामिल है। मेरा नाम मलक मोहम्मद अली है, चेक नंबर 82D, जिला पाक पतंद रेश। ASLP ने सानू जानवर की देखभाल के बारे दसिया, इन्होंने दसे हुए तरीकों से अमल करके साढ़े जानवर की दुध की पैदावार बढ़ गई, लेकिन इतने सानू दुध की पूरी कीमत नहीं मिल रही थी। डेयरी टीम के मशवर से अमल करके मैं दुध शहर की दुकान से बेचना शुरू कर दी, जिंदी वजह तो मैं दुध की कीमत पहले नालों ज्यादा मिल रही, मेरे मुनाफे में भी इजाफा होया है। डेयरी प्रोजेक्ट का अज़्म दूध की मार्केटिंग के मुनाफा बख्श ज़राए से छोटे डेयरी फार्मर्स के मौशी और मौशरती हालात में बेहतरी लाना है।